आज के पॉडकास्ट में हम दो मानसिक स्थितियों पर विमर्श करने जा रहे हैं। पहली स्थिति है दृढ़ता, जिसका अभिप्राय मानसिक मजबूती से है। दृढ़ता व्यक्ति ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के विकास का आधार है। दूसरी मानसिक स्थिति है जड़ता, जिसका जन्म बुद्धिहीनता, मूर्खता, आलस्य, कुंठा, क्रोध के नर्सिंग होम में होता है। जड़ता ऐसी मानसिक स्थिति है जो मानव को और मानव समाज तक को रोगी बना सकती है, जबकि दृढ़ता संकल्पवान बनाती है। जड़ता की तरह नैराश्य, कुंठा के भाव को प्रभावी नहीं बनाती। मानसिक जड़ता हमें अड़ियल और रूखे स्वभाव का बना देती है। अब सोचिए, पानी अगर रुक जाता है तो उससे सड़ांध अवश्य पैदा होती है, जबकि दृढ़ता प्रवाहमयी होती है, पवित्र नदियों जैसी, जड़ चेतन की प्यास बुझाने, लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले पानियों की तरह। दृढ़ता ही तो है जो संकल्प तथा कार्य के परिणाम मूलक क्रियान्वयन के लिए आधार बनती है। जड़ता मानव मस्तिष्क को विकल्पहीनता के मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। जड़ता की मौजूदगी में इम्प्रोवाइजेशन हो ही नहीं सकता, जबकि दृढ़ता की मौजूदगी में क्रिएटिविटी और इम्प्रोवाइजेशन बहुत सरल सहज हो जाते हैं। मित्रों, मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मानव समूह जड़ता को आत्मसात कर लेगा तो विश्व से मानवता को बचाना असंभव है। जड़ता जब सामुदायिक हो जाती है तो गृहयुद्ध, आतंकवाद, अनरेस्ट, विश्व युद्ध आदि को जन्म देती है। जड़ता का परिणाम युद्ध होता है। महाभारत आपको याद है ना, धृतराष्ट्र की जड़ता ने पूरे कौरव वंश का विनाश करा दिया। इसी महाभारत में एक दृश्य देखिए जिसके कारण गीता लिखी गई। भावनात्मक रिश्तों की जड़ता से बंधा हुआ अर्जुन कृष्ण के समक्ष युद्ध के हथियार डाल देता है। उसे महाभारत युद्ध के प्रति बिल्कुल भी आसक्ति नहीं रह जाती है। कृष्ण उसे पूरी दृढ़ता के साथ गीता का उपदेश सुनाते हैं, उसे कर्तव्य बोध कराते हैं। अर्जुन हाथ जोड़कर अपनी जड़ता का प्रदर्शन कर रहा था। वह नाते रिश्तों को बनाए रखने वाली जड़ता के कारण युद्ध से बचना चाह रहा था, लेकिन भगवान कृष्ण दृढ़ थे। एक और दृश्य की कल्पना कीजिए, जब लंका दहन के पूर्व रावण और हनुमान लंका में आमने सामने होते हैं। रुद्रावतार हनुमान अपनी पूंछ का सिंहासन बनाकर रावण से ऊंचे स्थान पर बैठते हैं। यह हनुमान की दृढ़ता का दृश्य है। मित्रों, हनुमान उसे पूरी दृढ़ता के साथ सुझाव देते हैं कि राम से मैत्री स्थापित कर लो। अंगद भी ऐसा ही कुछ कहते हैं। अंगद तो अपनी दृढ़ता का पांव भी जमा देते हैं। मित्रों, वर्तमान के भारतीय और वैश्विक संदर्भ में देखा जाए तो जड़ता आतंकवाद को जन्म दे रही है। हाल के दिनों में एक नया मामला सामने आया है। भारत से भगोड़ा जाकिर नाइक नामक एक व्यक्ति अपनी बौद्धिक जड़ता के कारण पाकिस्तान में, जहां का वह अतिथि है, महिलाओं के अपमान करने से बाज नहीं आता। वह उन्हें यौनिकता के नज़रिए से देखता है।
और उसके प्रभावों को भी विश्लेषित करता है। जड़ता की यह भयानक सी परिभाषा है मित्रों। इन दिनों देखा सुना जा रहा है कि धर्म और धार्मिक विश्वास को लेकर समाज में जड़ता बढ़ी है। वास्तव में धर्म और धार्मिक विश्वास को लेकर समाज में जड़ता के दृश्य नहीं उभरते। धर्म में जड़ता का गुण नहीं पाया जाता। आप सोच रहे होंगे मैं अपनी ही बात को अगली ही पंक्ति में काट रहा हूँ। वास्तव में धर्म, जिसे अंग्रेज रिलीजन कहते हैं, यह उनकी मजबूरी नहीं है, यह अंग्रेजी भाषा की मजबूरी है। अंग्रेजी की सीमाएं हैं। अंग्रेजी भाषा में धर्म को परिभाषित करने का सामर्थ्य ही नहीं है। धर्म को रिलीजन कहना मेरे हिसाब से गलत है। धर्म के आधारभूत घटक हैं दायित्व, कर्तव्य और वैयक्तिक गुण। ये सब प्राकृतिक हैं, जबकि संप्रदाय किसी भी व्यक्ति के द्वारा निर्मित किए गए होते हैं। संप्रदाय के प्रवर्तक द्वारा अपने चिंतन के आधार पर रिचुअल्स बनाए जाते हैं, जिन्हें कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं के द्वारा संपादित किया और कराया जाता है, जबकि धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। आपके समक्ष अगर कोई बुजुर्ग आ जाता है, भर बस आपका शीश झुक जाता है या आप उसके प्रति आदर अभिव्यक्त करना चाहते हैं, यही धर्म है। प्रत्येक जीव का अपना धर्म है जो सनातन है। मानवीय संदर्भों में देखें तो सनातन धर्म के कई रिलीजन हैं, शैव, वैष्णव, शाक्त, आर्स। आधुनिक विचारों को देखें तो जैनिज्म, बुद्धिज्म इत्यादि। इन सब का उद्देश्य है पवित्र एवं परिष्कृत जीवन शैली को अंगीकार करना। कभी कभी जड़ता भी इनमें आ जाती है, क्योंकि दुनिया परिवर्तनशील है और अपने प्रवर्तक के निर्देशों का उल्लंघन न करने की गलती के कारण दीर्घकाल में संप्रदायों में जड़ता भी आ जाती है। धर्म सदैव दृढ़ता के साथ हैं और संप्रदाय में जड़ता की संभावना बरकरार रहा करती है। संप्रदाय एक समूह है। समूह लंबे समय तक स्थिर नहीं रहा करते, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। संप्रदायों के भी सिगमेंट बन जाते हैं। संप्रदाय की संरचना संगठनात्मक होती है तथा इसमें हायरार्की यानी श्रेणीबद्धता को महत्व मिलता है। प्रवर्तक के दुनिया से प्रस्थान कर जाने के बाद संप्रदायों का विघटन अवश्यंभावी हो जाता है। कई बार संप्रदायों को छोड़कर लोग बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वे जड़ता का शिकार नहीं होना चाहते। जड़ता के साथ जिद का रिश्ता है। अगर जिद के साथ क्रोध और कुंठा का आवेग सम्मिलित हो जाता है तो वातावरण और व्यक्ति विध्वंसक हो जाता है। लेकिन जिद में सृजन शक्ति भी होती है। शर्त यह है कि संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए। सोचिए सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के लिए कृत संकल्पित थे और उन्होंने दृढ़ता के साथ एक योजना पर काम किया। वे सफल भी रहे, उन्हें असफल कभी नहीं माना जा सकता।
तो दशरथ मांझी तरोताजा उदाहरण है, जो पर्वत को काट सकता है, जिसने पर्वत को काट दिया है। इसका अर्थ यह है कि जिद अगर दृढ़ता के साथ सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है तो उसके परिणाम सकारात्मक होते हैं, लोकोन्मुखी होते हैं, लोक कल्याण के लिए होते हैं। भारत के इतिहास में खिलाफत आंदोलन, मोपला नरसंहार, कश्मीर समस्या जड़ता के परिणाम हैं, जिसके फलस्वरूप लाखों नागरिकों को जीने के अधिकार से वंचित किया गया था, जबकि जड़ता के कारण जिहाद, क्रूसेड, प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध, इराक ईरान युद्ध, खालिस्तान मूवमेंट, इज़राइल और विश्व को यहूदी विहीन करने की परिकल्पना, गजवाए काफिर, गजवाए हिंद, यह सब जड़ता के प्रारंभिक संकल्प हैं और यह जड़ता विध्वंसकारी होगी। हिटलर अपनी बौद्धिक जड़ता के कारण सर्वनाशक बन गया था। इसी तरह कंबोडिया का तानाशाह पोलपाट भी मानसिक जड़ता के प्रभाव में आकर अपनी ही जनता का हत्यारा बन गया था। कंबोडिया के इस तानाशाह के बाद ईदी अमीन को कौन भूल सकता है, जिसकी बर्बरता उसकी जड़ता का परिणाम थी। इससे उलट भारतीय चिंतकों जिद्दू कृष्णमूर्ति, विवेकानंद, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, समर्थ स्वामी रामदास, ज्ञानेश्वर महाराज, इन सब ने दृढ़ता के साथ समाज में परिवर्तन की अलख जगाई थी। आचार्य शंकर ने बिखरते हुए संप्रदायों को एकत्र किया, अद्वैत का प्रतिपादन किया। इसके विपरीत नीच से चीखता रहा, भगवान मर गया है, नीच से भौतिक रूप से ब्रह्म को देखना चाहता था। उस बेचारे को शायद यह नहीं मालूम था कि बुद्ध ने बोधिसत्व को प्राप्त कर लिया है। चार्वाक, स्पिनोजा, कार्ल मार्क्स, नीचे, आचार्य चंद्रमोहन जैन, जिसे आप ओशो कहते हैं और हम आचार्य रजनीश कहते हैं, मेरी दृष्टि में व्यापक होते हुए भी कहीं ना कहीं जड़ता को अपने साथ कैरी करते जा रहे हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों से साबित हो चुका है कि संपूर्ण ब्रह्मांड गतिमान है, परिवर्तनशील है, तो जड़ता महत्वहीन है ना। प्रतिपल बदलाव के दौर में अगर हम जड़ता के साथ हैं तो प्रकृति को प्रभावित करने का हम प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए आप विचार करें कि 5 डिग्री का टेम्परेचर हो और आप धूप में बैठे हों, तो सूर्य की धूप आपको वरदान लगती है, वही सूर्य आपको वैशाख माह में दुश्मन से कम नज़र नहीं आता। हमारी जड़ता उस समय सूर्य को गालियां देने लगती है। मित्रों, जड़ता से बचना चाहिए, जड़ता कुरूप और बदबूदार होती है। मित्रों, जड़ता के सहारे ना तो स्वर्ग मिलता है, ना जन्नत मिलती है, ना पैराडाइज मिलता है। वैसे तो ये शब्द ही काल्पनिक और एक तरह का भ्रम पैदा करने वाले शब्द हैं। इन शब्दों का अर्थात स्वर्ग, जन्नत, पैराडाइज का सत्य से कोई लेना देना नहीं है।
यह हमारी मानसिक कल्पना, कह लीजिए जड़ता के साथ हमारी कल्पनाओं में स्थापित है। इसी सत्य को साबित करने के लिए जड़ बुद्धि सदा कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इसके विपरीत राम, कृष्ण, ईसा, बुद्ध, महावीर, नानक धरा पर स्वर्ग लाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी अवश्य कीजिए। हमारा यह भी अनुरोध है कि कृपया रेड क्रॉस सोसाइटी को समर्थन दीजिए। आपके प्रति हम कृतज्ञ हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप इस चैनल पर अपना भरपूर समर्थन दे रहे हैं। जब भी वक्त मिले पॉडकास्ट सुनने ज़रूर आइए। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।